गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको करा चुका हूं और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान जो होती है वह जिन वाक्यों के अंत में का, था, थी, थे, 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 आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि क्या पहचान है? ता, था, थी, थे, 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 आ, ई, थे। यानी कि जब हम इसके अफर्मेटिव पर जाते हैं, जब इसके अफर्मेटिव पर जाते हैं तब हम फार्मूला लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, यस्टरडे यानी कि कल। यस्टरडे मींस क्या होता है? अगर कल आ जाए वापस तो यस्टरडे लगता है। लास्ट डे आ जाए यानी कि पिछले दिन या लास्ट नाइट या पिछली रात, इस तरीके की। या टुडे आ जाए यानी कि आज। तो ये सब क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बात किया हुआ है सीता कल दिल्ली गई। तो ये सीता कल दिल्ली गई, तो ये दिल्ली आया है, तो दिल्ली कहाँ से आया है? गई। सीता कल दिल्ली गई तो ई कहाँ से आया है? ये रहा। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि क्या का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हम क्या बनाएंगे? सीता हमारा सब्जेक्ट है भाई, और दिल्ली हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और गई हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो बात क्या बनेगा? सबसे पहले क्या मांगा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ गया? सीता। उसके बाद क्या मांगा है? वर्ब। तो गई यानी कि जाना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो और सेकंड फॉर्म है कौन है क्या? बैंड। और थर्ड फॉर्म है गोन। तो हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म में बैंड। तो हमने क्या लगा दिया? बैंड। और टू कहाँ गई? दिल्ली गई। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? दिल्ली। और कॉम्प्लीमेंट क्या था? कल। कल की मीनिंग क्या है? यस सर, समझ में आया। उसके बाद हम निगेटिव पर इसके जाते हैं। जब निगेटिव पर जाते हैं तो निगेटिव पर हमें फार्मूला मिलता है, यानी हमें लगाना पड़ता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। सभी कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे मैं एक बचन हूँ और चाहे मैं बहुवचन हूँ। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मैंने समझा दिया, ये सब क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बात क्या हमारे पास? दे आज विद्यालय नहीं गए। दे आज विद्यालय नहीं गए, तो ये गए जो आए वो कहाँ से आए? यहाँ से आए, गए। तो दे आज विद्यालय नहीं गए, तो ये हमारा क्या सब्जेक्ट है?